आज 12 बज गए हैं, हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और पापा मम्मी के लिए बुके लाए हैं। इन्हें लाइट चल। मम्मी तुम सोई नहीं अभी तक? शादी के साल मिला। अरे वाह। हेलो गाइस, तो आज है हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो घर में है कौन सी पूजा है मम्मी? विष्णु मम्मी, देखो मम्मी क्या बनी हुई है, सुपरमैन। एकदम से चढ़ गई है ऊपर। देखो गाइस, आज मैंने अपने हाथों से बनाई है इतनी स्वादिष्ट खीर और इतनी स्वादिष्ट पनीर। भाभी कुछ कहना चाहोगी मेरे बारे में? यार लोग चलते हैं, मैं क्या करूँ, आप मेरी शक्ल से देख के नहीं पता कर सकते मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं सुबह के किचन में लगी हुई थी और अब रेडी हो चुका है, अब नीचे जाके देख के आते पंडित जी ने कितनी तैयारी कर लिया है। जा रहे हो पंडित जी? आ गए थे आप तो? तुम्हारे मम्मी पापा तैयार नहीं, कौन जा रहे? पंडित जी आ गए और यहाँ पापा को देखो। नीचे पंडित जी को एक घंटा हो गया है और मम्मी का श्रृंगार ही नहीं खत्म हो रहा। मैं ही हो गई सबसे जल्दी तैयार, और आज के मेरे तैयार होने में सबसे फेवरेट पार्ट है ये। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं भाभी? तुमने नहीं देखे थे ना, है ना? ये बेचारे लोग काम में ही लगे रह जाते हैं हमेशा। मुझे भाभी ने तो चाय रख दी कैमरा देखते ही। क्या कह रही है भाभी? पियो पियो, चाय पियो, अब डिस्टर्ब नहीं कर रही। तुमने चाय पी ली? ठीक है। बस मैं और सिंह भैया है, सबसे ज्यादा भक्त हम ही आ गए हैं सबसे पहले पूजा में। बोलो अब हम आरती को पूरे घर में घुमा रहे हैं, क्योंकि नीचे गैरेज में करवाया था। हमारे घर में इतनी स्पेस ही नहीं है कि इसे करा सके। पूरे पसीने में चूर चूर। ओहो पंखा चल रहा है। छत पे भी जाना है? ये रेस लगा रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। धक्के मार मार के जा रहे हैं बेवकूफ कहीं के। वही तो। अब पंडित जी का खाना तैयार हो रहा है। क्या हुआ चाची? ये सारे अपने प्रसाद संभाले। मेरा प्रसाद कहाँ गया? ये रहा मेरा प्रसाद। मुझे तो इसके साथ क्या, मेरी सांस चढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। बस 10 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं चाची ने, इनकी सांस चढ़ गई है। गलत बात है भाई, एक्सरसाइज एक्सरसाइज शुरू करो। तबीयत खराब है। क्या हो रहा है? क्या पूछो क्या हो रहा है? लूज मोशन। अरे चाची को 10 दिन में लूज मोशन लगे पड़े हैं, सब सेहत का ये हाल है। सारे गंदे गंदे बच्चे। जो बोलता वही होता है। शट अप शट अप। ये रहा का पैसा। खा लो फिर, ये देते प्रसाद। मेन गेस्ट आ गए हैं। भाभी हो गया तुम्हारा श्रृंगार खत्म? सारी पूजा खत्म होने के बाद आई है क्या? क्या मैं क्या मेहनत, तो फिर भी इतना समय क्यों लग गया? क्या मेहनत कर गई? हाँ वही तो।
अब ये खाने की तैयारी हो रही है। मैंने कितनी अच्छी खीर बनाई है यार, आज की खीर मैंने बनाई है, खा के बताना कि कैसी बनी है। भाग गए यहाँ से। मैंने पता नहीं क्यों लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, मैंने इतने प्रेम से खीर बनाई है। बताओ भाई, भाभी तुम बताओ किसने खीर बनाई है, बताओ एक तुम ही हो सच्ची। देवी का भाभी किसने खीर बनाई है? एक आज की खीर मैंने बनाई है, ठीक है? तो खा के बताना कैसी बनी है। क्या शट अप, खीर कैसी लगी आंटी? मैंने बनाई है ना, बहुत अच्छी है। भाभी सबसे ज्यादा हंस रही है बात सुन के। तू यही खा, तेरे लिए यही बचा है बस, है ना? नॉनसेंस। कैसा लगा सारा खाना? अच्छा बनाया क्या? मैंने बनाया, मैंने बताना 5 बजे नहीं उठ गई थी सारा खाना बनाने। वो विमलता ही खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये तो रीता चाची, ये नहीं है पूरी, बता ना। लूज मोशन हो रहे हैं ना, इतना ही खाओ। देती हूँ अभी, देती हूँ। ठीक है, खाना बढ़िया है सब। तुम ब्रांड एम्बेसडर हो क्या हर चीज की, कि ये देखो इसका डिजाइन कैसा बना है, अब मेरी पाजेबे देखो। हाँ बताओ, हर चीज का शो ऑफ करने लग जाएंगे तुरंत ही। अरे यार, मेरे से कोई कह रहा है तो अच्छी लग रही है, मैं दिखाने जाऊँ तो झुमके देखो, झुमके कितनी अच्छी लग रही है, ये कितना अच्छा लग रहा है, बताओ यार। बताओ ये कितने रुपए का है आंटी? ये 100 का, एक दाम बताओ सच सच के, कितने का लग रहा है? 50 रुपए का। हाँ गले का हार, वो भी 70 रुपए का लेके आई। हाँ बहुत तक सीलमपुर से। हाँ वही तो। हाँ ये खीर नहीं खाई तुमने, कैसी बनी है? भैया मैंने बनाई थी। अच्छा इतना भी सच नहीं बोलना होता, ठीक है? रायते में भी नमक मैंने डाला था, ठीक है। खीर में चीनी कैसी थी आंटी? हाँ तुम इतना पूछा सबसे, तब किसी ने नहीं बताया, पर भैया ने बताया, कम है फिर सबने बता दिया। बताओ ठीक है, अच्छी बात है, हमें अच्छा मिलेगा। नहीं शुगर नहीं, हमें अच्छा मिलेगा, हम डालेंगे अपनी में चीनी। और भैया ये तो बहुत ही पाखंडी भाभी, बताओ कितनी पाखंड कर रही है ये। तुम करोगी नहीं करोगे, तुम्हारी मुंह दिखाई हो रही है। सबसे एंड में खाना खा रही हूँ, ये भी खाना खा चुकी है। अरे भैया झूठ, इतने ज्यादा। कैरल ये नाराज हो गई है, इसे इतनी देर से अटेंशन नहीं मिली है। कैरल क्या हो गया बाबू, नाराज हो गई? शोरी ये हमारे VIP गेस्ट, सबके खत्म होने के बाद अब आई है भाभी। अब हम मम्मी पापा के लिए केक ऑर्डर कर रहे हैं, उन्हीं के पैसों से। हमारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं मेरी तरफ से है। ओ रिच है, हालांकि पैसे मेरे पास भी बहुत है, बट मैं नहीं खर्च करना चाहती यार। केक दिखाओ, केक कैसा ऑर्डर कर रहे हैं? ये वाला बनवाना है कॉमेडी, देखना। हाँ अच्छा लग रहा है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट बनवाए पापा जैसा। इसमें इसकी जगह कुछ और, जैसे फ्लावर्स इधर रख ले, ये वाला डिजाइन नहीं। हाँ जैसे उसमें रेड रेड फ्लावर्स लग रहे हैं ना, डिजाइन वही ना, और इसमें ना ये ऐड करवा ले बस। हाँ और इसके ऊपर फ्लावर्स। हाँ ओके, तो अब केक डिसाइड कर लिया है हम लोगों ने। मैं सही से नहीं ध्यान हट रहा चला। अब ये भाभियों का भोजन स्टार्ट हो गया है, यहीं से झलक देख लो गाइस, क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही, तब तक कटिंग नहीं होगी। यहीं से देखो, कर दे खराब कर दे। अब पापा रेडी हो रहे हैं,
पापा ने कच्चा पहन रखा था, पैंट पहन लिया, पेट कैसे अंदर करा है? वीडियो चलते जल्दी से पेट अंदर कर लिया। यहाँ मम्मी की फैन फॉलोइंग चल रही है, फोन पे फोन। मम्मी तो इतनी जल्दी तैयार हो गई। तू कैमरा देखते क्यों आ जाती है इसके अंदर चलती चलती? बहन कैमरा स्टार्ट होगा और इसके पैर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे मेरे पास व्यू के। हाँ वही तो, वो तो आप पकड़ लिया तो इधर ही रुक गई है। स्पेशल गेस्ट एंट्री कर चुके हैं। हेलो रचना दीदी, ज्योति दीदी कहाँ है? हाय पूजा भाभी, अरे सुबह ही तो मिले थे हम। हाय ज्योति दीदी, हाय गाइस, क्या आप लोग रेडी हैं आप केक कटिंग के लिए? चलो तो अपना कार्यक्रम शुरू करा जाए। अनमोल कितनी सुंदर लग रही है तू कैमरे में। चलो जलाना सीखो ना, अभी नहीं जलेगा। लाओ मैं भाभी इस चीज के प्रैक्टिस तू में मम्मी थोड़ी कुछ भी हो, लो हंस लो, दांत दिखा लो। चलो गाइस आज का फाइनल हो गया, बाय। बाय बाय।